हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में कुछ बात है। ये नया वीडियो कुछ खास है, इसलिए क्योंकि आज दिन भी खास है। ममता को समर्पित यह दिन आप सभी को मुबारक हो। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का ये पवित्र दिन है, जिस दिन हम अपनी माँओं को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, उनके द्वारा की गई अपने समर्पण को जो हमारे प्रति होती है, उनको उनका आदर करते हैं। तो बस उसी सोच और उसी विचार के साथ मैंने इस वीडियो को, आज के इस खास वीडियो को, उन सभी माँओं को समर्पित किया है जिन्होंने अपना जीवन हमें संवारने में लगा दिया। और साथ साथ मैं यह वीडियो अपने पूज्य माता पिता को भी समर्पित करता हूँ जिन्होंने अपना जीवन मुझे संवारने में लगा दिया। और इसके साथ साथ मैं उन माताओं की माताओं को प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को उनको डेडिकेट करता हूँ जो हमारी माताओं की भी माता है, हमारी प्रकृति माता है। ममता का सृजन जिससे हुआ है, ये प्रकृति माता से हुआ है। हमारी माओं के अंदर जो ममता है, हमारे अंदर जो ममता है, सभी जीव जंतुओं के अंदर जो ममता की भावना छिपी है, इस ममता की भावना की जो सृजन करता है वो हमारी प्रकृति माता है। ये प्रकृति माता भी हमारी माओं की तरह ही किस प्रकार न जाने कितने सदियों से हमारी सेवा में लगी है, हमें पालने, हमें पोसने में लगी है, हमें तरक्की कराने में लगी है। सभी जीवों का ये ख्याल रखती है, चाहे वो एक छोटे से रेंगने वाले जीव हो, कोई पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो या मानव हो। तो प्रस्तुत है आपके सामने यह नया वीडियो। यह नया वीडियो एक संवाद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। संवाद होगा एक पुत्र और एक माता के बीच में। पुत्र होगा मानव और माता होगी प्रकृति। हमारे साधारण जीवन में भी एक पुत्र जिसको माता अपने प्यार से सींचती है, उसे संवारती है, अपने त्याग और बलिदान से उसे बड़ा बनाती है, ठीक है, तो वो पुत्र आगे चल करके किस प्रकार अपनी ताकत में सराबोर हो करके थोड़ा घमंडी हो जाता है, माता के द्वारा किए गए उस बलिदान का कद्र नहीं करता है, किस प्रकार वो बेरुखा हो जाता है। इस बात को पुत्र के संवाद के द्वारा समझाया गया है कि एक पुत्र जो मानव है वो अपनी माता जो प्रकृति है वो उससे किस प्रकार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। इस संवाद का शीर्षक है आ अब लौट चले। यह थीम जो है, ये माता प्रकृति कह रही है अपने उस पुत्र से जो अपनी राह भटक गया है, अपनी ताकत में सराबोर होकर उसकी आंखों पर पट्टी चढ़ गई है, घमंड की पट्टी, लालच की पट्टी। तो उसको माता कैसे समझाती है, एक बिगड़े हुए पुत्र को कैसे बताती है और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए क्या प्रयत्न करती है, यह माता प्रकृति के संवाद में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यह संवाद मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर तैयार किया है और पूरी आशा के साथ मैं ये समझता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, यह संवाद पसंद आएगा। अगर कुछ त्रुटि हो गई होगी तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा भी मांगता हूँ। तो चलिए, प्रस्तुत है आपके सामने यह संवाद, प्यारा सा संवाद जो बहुत कुछ समझाएगा, बहुत कुछ बताएगा, आपको आपका आईना दिखाएगा, हमें अपना आईना दिखाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो चलिए, आ अब लौट चले, पुत्र के संवाद को सुनते हैं। हूं मैं ताकतवर सबसे, रोशन है ये कायनात मेरे ही दम से, मुट्ठी में है मेरे तेरे सभी डोर, सहनशाह हूं मैं ही इस सृष्टि का, काबू में है मेरे अब जीवन और मृत्यु की डोर। पशु पक्षी पेड़ पौधे नदी झरने पहाड़ हो या पठार, देखो सबको मैंने कर डाला कैसे अपने वश में, मैंने ही परमाणु बनाया, ध्वस्त हो जाए पल में जिससे ये सारी पृथ्वी ऐसा हथियार बनाया, मैंने ही काटे हैं
सारी जंगलें, और अब देखो कैसे इठलाती है इमारती बंगले। रोकी है राहें मैंने नदियों के भी, और देखो कैसे ये अब संकरी होगी। वो नदियां जो बल खाती थी, इठलाती थी, अपने लहरों की शोर मचाती थी, संकरी हो गई। रौंद डाला मैंने सीना इस धरती का, नोच डाले मैंने सारे जंगल। क्या अब भी शक है तुमको मेरे बाजुओं की ताकत पर? ए प्रकृति देखे देख, है अब मेरे ही वश में ये दुर्बल और बेबस पशु पक्षी। कैद कर डाला है जो मैंने इनको, गुम हो गई देखो अब कैसे इनकी चहचही। हो गई बात पुरानी अब वो फूलों की खुशबू और वो भंवरों का गुंजन। फतह कर ली मैंने चांद की सतह, मंगल ग्रह भी होगा अब मंगल ग्रह भी होगा अब मुट्ठी में मेरे। एक एक कर होंगे हर ग्रह पर अब मेरे ही डेरे। पृथ्वी को अपने काबू में कर, चला मैं अंतरिक्ष को काबू में करने। सुन प्रकृति 21वीं सदी के महामानव की बहादुरी गाथा को, अब मेरे ही वश में है तेरे हरेक रचना की डोर। हो जा नतमस्तक तू अब महामानव के आगे, सृजन और विनाश का हक भी तो है छीन लिया मैंने तुझसे। बचा ही क्या अब तेरे पास जो नहीं है मेरे वश में। ए प्रकृति मैं स्वामी हूं तेरा, तू दासी है मेरी, महामानव हूं मैं। देख मेरी तरक्की अनंत काल तक नष्ट ना हो पाए ऐसे प्लास्टिक बनाए हैं मैंने। ना बचा अब मुझसे कोई भी, भक्षण करता हूं मैं तेरे बनाए सभी जीव। रक्त मेरा हुआ विषैला, मन भी मेरा हो गया कसैला। देखती होगी तू अपनी चहुओर मेरे तरक्की के निशान। धुआं धुआं कर दिया मैंने बनाकर फैक्ट्रियां गाड़ियां दुकान और मकान। तपती है तू जलती है तू देखकर तरक्की को मेरी, तभी तो तेरा बर्फ पिघल रहा है पानी बनकर। और तेरा पाड़ा कभी रहता 40 तो कभी चढ़ता 50। तू जल तू तप, खुश होता हूं मैं बहुत खुश होता हूं तुझे ऐसे देखकर। नहीं पिघलेगा दिल मेरा सुनकर चित्कार तेरा, भले ही जन्म दिया है तूने मुझे ए प्रकृति, लेकिन तेरा अंत मैं सुनिश्चित करूंगा, तेरा अंत मैं सुनिश्चित करूंगा। मानव हूं मैं महामानव। अपनी पुत्र की इन बातों को सुनकर अब माता प्रकृति कुछ कहती हैं। चलिए अब हम उनकी बातों को सुनते हैं। क्षितिजल पावक गगन और समीर ये 5 तत्व से निर्मित है तू हे मानव, सोच जरा क्या रह पाएगा अस्तित्व तेरा। 5 तत्वों में से ना हो केवल एक तत्व भी अगर, क्या ईंट पत्थर खाकर रह पाएगा तू। जो ना दूं अन्न तुझे क्या बिन पानी प्यास बुझेगी तेरी। जो मैं ना दूं जल तुझे काले धुएं में सांस लेकर क्या जी पाएगा तू। जो मैं ना दूं तुझे हवा ताजी। कितना मूर्ख है रे मानव तू, कर डाला खुद ही खुद का विनाश। है तू खड़ा सर्वनाश के द्वार पर अब, तू कहता है सहनसा है इस सृष्टि का। अरे मूर्ख सहनसा बिगाड़ा नहीं करते, वो तो बनाते हैं संवारते हैं सहारा बनते हैं निस्सहायों का। तू तो आज खुद ही असहाय है, तू मात्र एक जीव है उन करोड़ों जीवों में। तो किस बात का है घमंड तुझे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो तू ना हो इस धरती पर। पलट कर देख अपने इतिहास को, कहाँ था अस्तित्व तेरा। तू भी तो बस सारे जीवों में एक जीव ही था। तू कहता है काबू में है तेरे ये जीवन और मृत्यु। कितना बदनसीब है तू मानव, मैंने तुझे औरों की अपेक्षा सामर्थ्य ज्यादा क्या दे दी। तू संपूर्ण विश्व का अधिष्ठाता बन बैठा। ओ बेशर्म मानव
बर्बरता की सारी हदें पार करके तू खुद को महामानव कहता है? याद रख, जब जब तूने की है दुस्साहस मुझ पर हावी होने की, दिखा है मेरा गुस्सा कभी बाढ़ कभी अकाल तो कभी भूकंप के रूप में, इतने पर भी जो ना जागा तो आई हूँ मैं रूप महामारी का लेकर। अरे मूर्ख, जरा आंखों की पट्टी हटा और पहचान मुझे, आई हूँ मैं विनाश लीला करने COVID-19 के वेश में। देख कैसे बैठा दिया है मैंने तुझे घर में, क्योंकि तूने न्योता दिया है खुद ही अपने विनाश को। ललकारा है तूने मुझको, अरे दुष्ट रौंद डाला तूने मेरे सारे रचनाओं को। हूँ तो मैं माँ तेरी, पर अब नहीं मैं तुझे बख्शने वाली, छीन लूंगी मैं तेरी हर ताकत, मिट्टी में जन्मा है तू, बना तेरा शरीर भी मिट्टी का ही, मेरे रचे सुंदर संसार में धुआं फैलाने वाले तू खुद अब धूल में मिल जाएगा। पहचान मुझे, पहचान अपने काल को, अरे ओ अहंकारी धूर्त, घर में क्यों छुपा है तू, आ सामना कर मेरा। तू तो कहता था महामानव है तू, कहां गई तेरी महानता? तू तो वो है जो अपनी थाली में खुद ही छेद करता है, अपनी चीजों को खुद बिगाड़ता है, और जब कुछ ना हो पाता तुझसे तो मेरा आसरा ताकता है। जो मिला है तुझे उसकी तो तुझे कदर नहीं, और चहूं और तू अपना रोना गाता है। जो पेड़ नोचे थे तूने आज फिर वही पेड़ लगाता है, जो नदियां सुखाई थी तूने आज फिर वही नदियां बचाता है। मानव बता कैसा लगता है जब पीने के पानी को तू तड़पता है? जो धुएं उड़ाए थे तूने आज उसी धुएं को साफ करता है, ऑड इवन का चक्कर लगाता है। बता मानव तुझे कैसा लगता है? तरस आती है मुझे तेरी मजबूरी देखकर। एक दिन था जब तू शिकार किया करता था, आज खुद ही मेरा शिकार बन बैठा है। चांद तारों पर पहुंचने की बात करने वाले, पहले तू इस धरती को तो थोड़ा संभाल लेता, थोड़ा संवार लेता। क्या मिला तुझे विज्ञान के इन आविष्कारों से? अंत तो आखिर तेरा ही होना है। मैं तो सदैव थी हूँ और रहूंगी, हाँ मैं तप रही हूँ, जल रहा है मेरा सीना, सही है, लेकिन मैं खुद को संभाल लूंगी और फिर से संवार लूंगी। तू खुद की सोच, क्या मेरे तपिस को तू सह पाएगा? राख हो जाएगा। संभल जा मानव, अब तू थोड़ा ठहर जा, अपने लालच की अग्नि को शांत कर। इंसान है तू, इंसान बन, महान बनने के चक्कर में हैवान मत बन। मैं माँ हूँ तेरी, तू है मेरी संतान, उस परमात्मा को छोड़कर दूजा कोई नहीं महान। आ देती हूँ मैं तुझे एक और मौका तेरे भूलों को सुधारने का, घर में बैठकर तू अपने कर्मों का अवलोकन कर, चिंतन कर। मेरा है तू, मुझ जैसा बन, इंसान है तू, थोड़ा इंसान बन। ओढ़ ले चादर ममता की, स्नेह से खुद को परिपूर्ण कर, सर झुकाकर अपने तू थोड़ा सजदा कर, प्रेम कर, प्रेम कर। ए मानव तू प्रेम कर, कुछ नहीं है तेरा यहाँ, अकेला था तू, अकेला ही जाएगा, कल होके मुझ में ही समाएगा। मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, आ अब लौट चल, आ अब लौट चल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह पसंद आया होगा। और ये मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, हम दोनों जो आप लोगों को देना चाहते हैं, समाज तक पहुँचाना चाहते हैं, मुझे पूरी आशा है कि यह मैसेज आप तक पहुँचा होगा। प्रकृति माता जो हमसे कहना चाह रही है वो संदेश आप तक पहुँचा होगा। तो चलिए हम लोग प्रकृति माता के साथ चलते हैं। अब ये जो समय आया है महामारी का, ये जो कठिन समय आया है हमारे साथ, इसको एकजुट होकर इसका सामना करते हैं, और उसके बाद जब इससे निकलेंगे तो प्रकृति के साथ होते हुए निकलेंगे। वो जो हमसे कहना चाहती है उस बात को मानते हुए चलेंगे। प्रकृति हमें वापस लौटने के लिए बोल रही है, उस भौतिकता के, उस
अपनी लालच की आंधी को छोड़ करके अपनी संस्कृति को संभालने के लिए बोल रही है। तो हम लोग इस बात का प्रण करते हैं कि हम लोग प्रकृति माता के इसी पुकार को सुनेंगे और अपनी संस्कृति को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, इसे बिना नुकसान पहुंचाए हम साथ चलेंगे प्रकृति की रक्षा करते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, लाइक बटन दबाएं, इसे शेयर करें बाकी लोगों से, अच्छे विचारों का आप आदान प्रदान करें, लोगों में विस्तार करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, बताए गए नियम आदेश का पालन करें। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे।